आज मैं बनाने जा रहा हूँ सूजी का सॉफ्ट और ऑयल फ्री डोसा। ये दिखने में जितना ही सॉफ्ट है उतना ही खाने में अच्छा लगता है। एक बार आप ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत अच्छा लगेगा। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है सूजी, दही। अगर आपका दही खट्टा हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक आपके स्वाद अनुसार रखिए, पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और हमारा बैटर अच्छा नहीं बनेगा। इसको हम पीस लेंगे कुछ इस तरह। देखिए मेरा बैटर बहुत अच्छा बना है, इसमें छोटे छोटे बबल्स आए हैं। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम अपनी चटनी की तैयारी शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया हरा धनिया, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन, भुना हुआ चना दाल, ज़ीरा पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस ले। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा और टेस्ट इसका नहीं आएगा अच्छा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा चटनी, ऐसे आप भी पीसिए। अब हम अपने डोसे की तैयारी करते हैं। हमारा बैटर देखिए 10 से 15 मिनट बाद कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे इनो। डालने से ये होता है कि इसमें बबल्स अच्छे आएंगे और ये बनाएंगे तो आपको बहुत सॉफ्ट लगेगा और खाने में मज़ा भी आएगा। कुछ देर मिक्स करने के बाद देखिए बैटर में कितना अच्छा बबल्स आया है। आप इसको तब तक मिलाइए जब तक ये सॉफ्ट ना हो और इसके ऊपर अच्छे से बबल्स ना आए। अगर बबल्स आएंगे तो डोसा उतना ही अच्छा लगेगा खाने में। अब हम ऑयल फ्री डोसा बनाएंगे तो पैन को थोड़ा गर्म कर लें। जब पैन गर्म हो जाएगा तब उसमें अपना बैटर डालिए, जितना आपको चाहिए, जिस साइज़ का डोसा चाहिए उस साइज़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देना। ढक के इसलिए रखेंगे इसको ताकि ये नीचे से ज़्यादा जले ना और ऊपर से उतना ही सॉफ्ट रहे। देखिए कितना अच्छा बबल्स आए हैं, नीचे से पक गया है ऊपर से सॉफ्ट है। इसको थोड़ा दूसरी साइड से भी पलट देंगे कि ऊपर से हल्का पक जाए, ज़्यादा नहीं पकाना है हमको ऊपर से, क्योंकि हमको ऊपर से इसको सॉफ्ट ही रखना है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है मेरा ऑयल फ्री डोसा। एक बार आप ज़रूर बनाएं, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और अपने बच्चे को बना के खिलाएं, बहुत अच्छा लगेगा।